अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि कामनाओं की निवृत्ति का उपाय क्या है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, सभी कामनाओं की उत्पत्ति का कारण अविवेक है। अविवेक की निवृत्ति एकमात्र विवेक के आदर से हो सकती है, परंतु विवेक का आदर करने की सामर्थ्य उन्हीं प्राणियों में आती है जो अपना प्राप्त सुख दुखियों की सेवा में लगा देते हैं और अपने सुख को दुखियों की ही देन मानते हैं, कारण कि अपने से दुखी को देखकर सभी को सुख प्रतीत होने लगता है। जिसके दर्शन मात्र से हम अपने को सुखी मानने लगते हैं, क्या उसकी सेवा करना हमारा कर्तव्य नहीं है? अर्थात अवश्य है। यह नियम है कि जिनके द्वारा हमें सुख की प्रतीति हुई अथवा जिनको हमने अपना मान लिया है, यदि प्राप्त सुख के द्वारा उदारता पूर्वक बिना प्रत्युपकार की आशा के उनकी सेवा कर दी जाए तो हम बहुत ही सुगमता पूर्वक सुख की आसक्ति तथा सुख के बंधन से मुक्त हो जाते हैं एवं जिनको अपना मान लिया था उनके बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। सुख भोग की लालसा मिटते ही मुक्ति की अभिलाषा पूर्ण रूप से स्वतः जागृत हो जाती है। जिस प्रकार सूर्य का उदय और अंधकार की निवृत्ति युगपद है, अर्थात एक साथ हो जाती है, उसी प्रकार मुक्ति की अभिलाषा की पूर्ण जागृति तथा बंधन की निवृत्ति युगपद होती है, अर्थात एक साथ हो जाती है। विजातीय से मुक्त होना ही वास्तव में मुक्ति है, क्योंकि भिन्नता उसी से हो सकती है जिससे जातीय तथा स्वरूप की भिन्नता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि अपने में से विजातीयता का निकल जाना ही मुक्त हो जाना है। यह नियम है कि जिससे जितनी अभिन्नता होती है उससे उतनी ही प्रीति होती है, अतः जिससे पूर्ण अभिन्नता है उससे ही वास्तविक प्रीति संभव है। अर्थात प्रेम भी भिन्न से नहीं होता और मुक्ति में भिन्न का अस्तित्व ही नहीं रहता। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जहां वास्तविक मुक्ति है वहीं पूर्ण भक्ति है। भक्ति और मुक्ति का विभाजन नहीं किया जा सकता।
उन दोनों में से किसी एक की प्राप्ति होने पर दोनों की प्राप्ति हो जाती है। जिन साधकों के जीवन में संदेह की वेदना होती है, वे जिज्ञासु होते हैं, और जो निसंदेह होते हैं वे भक्त होते हैं। भक्त मान कर चलता है और जिज्ञासु बिना जाने नहीं मानता। दोनों की साधना में भले ही भेद हो, किंतु साध्य में भेद नहीं होता, क्योंकि सत्य में कल्पना भेद होने पर भी तत्व भेद नहीं होता। प्रत्येक साधक के जीवन में किसी न किसी अंश में विश्वास तथा किसी न किसी अंश में संदेह विद्यमान रहता है, परंतु किसी में विश्वास की प्रधानता रहती है और किसी में संदेह की। जिनमें विश्वास की प्रधानता होती है वे अपने लक्ष्य को मान लेते हैं, और जिनमें संदेह की प्रधानता रहती है वे अपने लक्ष्य को जानने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। संदेह की वेदना ज्यों ज्यों सबल तथा स्थायी होती जाती है, त्यों त्यों संदेह निवृत्ति की शक्ति स्वतः आने लगती है। जिस काल में जिज्ञासु लेश मात्र भी संदेह सहन नहीं कर सकता, उसी काल में संदेह की निवृत्ति हो जाती है। संदेह किसी मान्यता पर नहीं होता। संदेह की उत्पत्ति प्रतीति पर होती है। अतः जिज्ञासु की साधना का आरंभ यह जो कुछ इंद्रिय मन बुद्धि आदि से प्रतीत होता है क्या है, इससे होता है अथवा मैं क्या हूं इससे होता है, इन दोनों में से अर्थात यह या मैं किसी भी एक के जान लेने पर दोनों का वास्तविक ज्ञान हो जाता है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि इन दोनों में प्रथम किसको जानने का प्रयत्न किया जाए। यह प्रत्येक साधक की अपनी रुचि पर निर्भर है कि वह जिस पर चाहे विचार करे, इसके लिए कोई बंधन नहीं है। हाँ, एक बात अवश्य है कि यह के प्रति जो मान्यता है अथवा मैं के प्रति जो मान्यता है उसका त्याग करना अनिवार्य होगा। कोई भी मान्यता किसी कर्तव्य के सूचक भले ही हो, किंतु वास्तविकता का बोध कराने में समर्थ नहीं है। जब साधक निज विवेक के बल से यह है और मैं की मान्यता को निकाल देता है,
तब यह है पर मैं का संबंध विच्छेद हो जाता है, कारण कि माने हुए मैं से ही माने हुए मेरे का संबंध स्थापित होता है, क्योंकि अहम के अनुरूप ही मम की प्रतीति होती है और फिर उसी के अनुरूप अहम की मम में प्रवृत्ति होती है तथा प्रवृत्ति के अनुसार ही राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। राग द्वेष की दृढ़ता ही अहम और मम के संबंध सुरक्षित रखने में समर्थ है। जब राग त्याग से और द्वेष प्रेम से मिट जाता है तब अहम और मम का संबंध शेष नहीं रहता। अहम और मम का संबंध टूटते जिससे जाति तथा स्वरूप की एकता है उससे अभिन्नता हो जाती है। यही जिज्ञासु की साधना की परावधि है, अथवा यूं कहो कि जब जिज्ञासु अलौकिक विवेक के प्रकाश में यह और मैं की मान्यता को अस्वीकार कर देता है तब निर्वासना और निवृत्ति स्वतः आ जाती है, क्योंकि जब तक हम अपने को कुछ मान नहीं लेते तब तक वासना की उत्पत्ति ही नहीं होती और जब तक किसी को अपना नहीं मान लेते तब तक प्रवृत्ति का आरंभ ही नहीं होता। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि यह और मैं के प्रति जो मान्यता है उसके अंत होने पर निर्वासना तथा निवृत्ति स्वतः आ जाती है, जो जिससे हमारी जाति तथा स्वरूप की एकता है उससे अभिन्नता कराने में समर्थ है। जब विश्वासी साधक अपने अनेक विश्वासों को एक विश्वास में और अनेक संबंधों को एक संबंध में तथा भिन्न भिन्न प्रकार के चिंतनों को एक चिंतन में विलीन कर देता है तब एक पर ही विश्वास, एक से ही संबंध और एक ही का चिंतन स्वतः होने लगता है, अर्थात प्रेमास्पद से भिन्न किसी अन्य का चिंतन शेष नहीं रहता। ज्यों ज्यों प्रेमास्पद का चिंतन सबल तथा स्थायी होता जाता है त्यों त्यों प्रेमास्पद से भिन्न का अस्तित्व स्वतः मिटता जाता है, क्योंकि एक का स्मरण अन्य का विस्मरण कराने में समर्थ है। विश्वासी भक्त को यह अर्थात जो इंद्रिय मन बुद्धि आदि से प्रतीत हो रहा है वह मेरे प्रभु का है।
और किसी का नहीं। इस भाव की दृढ़ता होती जाती है। ज्यों ज्यों इस भाव की दृढ़ता होती जाती है, त्यों त्यों उसके मन से स्वार्थ भाव तथा यह का राग मिटता जाता है। जिस काल में स्वार्थ भाव तथा यह का राग समाप्त हो जाता है, उसी काल में यह जो कुछ है उसमें अपने प्रीतम का ही दर्शन होने लगता है। जब प्रीति इतनी बढ़ जाती है कि विश्वासी का अपना अस्तित्व भी प्रीति के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता, अर्थात जब विश्वासी स्वयं प्रीति हो जाता है, तब उसे प्रीतम से भिन्न और कुछ है ही नहीं ऐसा अनुभव होता है। अर्थात सर्वत्र प्रीतम ही प्रीतम है। यही भक्ति की साधना की परावधि है। विजातीयता से मुक्त हो जाना ही मुक्ति, और जिससे जाति तथा स्वरूप की एकता है उससे प्रेम ही भक्ति है। विजातीय से संबंध स्वीकार करने पर ही पराधीनता और अनेक प्रकार के अभाव उत्पन्न होते हैं। संबंध विच्छेद करते ही पराधीनता स्वाधीनता में बदल जाती है और सभी अभावों का अभाव हो जाता है। यही मुक्ति है। विजातीय संबंध ने जो स्वाभाविक प्रीति को अनेक आसक्तियों में बदल दिया था, वह आसक्ति भी मिट जाती है। उसके मिटते ही स्वतः प्रेम का उदय होता है, जो वास्तव में भक्ति है। इस दृष्टि से भक्ति और मुक्ति दोनों ही समान है। भले ही उन दोनों की साधनाओं में भेद हो, साधना का भेद साधक की दृष्टि से होता है, सिद्धांत की दृष्टि से नहीं। भक्ति के द्वारा जिस अनिर्वचनीय सत्य की उपलब्धि होती है, उसमें अनंत विभूतियां हैं। कारण कि वह अनंत नित्य चिन्मय है। साधक उस अनंत की जिज्ञासा अथवा लालसा उत्पन्न कर अपनी अपनी योग्यता अनुसार साधन द्वारा उससे अभिन्न होते हैं। यह नियम है कि अभिन्नता के बिना न तो प्रेम ही होता है, न स्वरूप की एकता ही होती है। जो लोग यह मानते हैं कि प्रेम परस्पर भेद से होता है, यह बात बाह्य दृष्टि से भले ही प्रतीत होती हो, किंतु तत्व दृष्टि से तो प्रेम उसी से होता है जिससे किसी प्रकार का भेद न हो। भेद से तो न्याय उत्पन्न होता है, प्रेम नहीं। ज्यों ज्यों भेद गलता जाता है, त्यों त्यों प्रेम प्रकाशित होता जाता है। ज्यों ज्यों प्रेम प्रकाशित होता जाता है, त्यों त्यों
नित्य नव रस की वृद्धि होती जाती है। प्रेम के रस में भोग नहीं है, अपितु नित्य योग है। इसी कारण प्रेम की कभी न तो पूर्ति ही होती है और न उसमें कभी व्यवधान ही होता है। यही प्रेम में अलौकिकता है।